जबरदस्त 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 कितनी तेज आवाज आ रही ये क्या कर दिया ये तो उतर ही नहीं आगे चूना मल दिया ये देख हाथ पे भी नहीं है ये क्या किया तूने वॉश करना उधर जा क्या किया ये है क्या किया ये उतर ही नहीं रहा अच्छा कुछ नहीं कोई चक्कर नहीं है हम है ना बैठे हैं मैं अपने फैमिली मेंबर्स को जानता हूँ यार तू मेरी तरफ देख नहीं रहा यार मैं तेरे से लड़ पड़ूंगा यार तू प्यार नहीं माँ जी ना आपकी मेहरबानी आप मेरे पास आई है ना मैं आपके बेटों की तरह हूँ परेशान नहीं होना दो ये तीसरा मैं हूँ क्या है असल में पावर इतना खुशी का टाइम है ओए क्यों मुंह बनाया असल में क्या हुआ तू क्या से क्या हो गया कल तक मैं दोस्तों के साथ सिंगल हुआ करता था शुक्र कर चपेट मारो मुंह पे 3 बजे आना 4 बजे आना 5 बजे रात को आना कोई चक्कर नहीं कोई टेंशन नहीं आपने बड़ी ना मेरे साथ साजिश की है मम्मा खुदा का खौफ करो तीस साल आपके नए दांत लगवा रहा हूँ मुझे मारी जाए मैं इतनी तीस साल कौन सा मम्मा जी चलो ये दिसंबर में 29 खुशी का टाइम है बगैर मैं बड़ी खुश हूँ तुम्हें खुश हो सारी दुनिया खुश हो आपने छुरी फेरी है मैं कह के लिए खुश हूँ मेरी जिंदगी है शुक्र कर अल्लाह का शुक्र कर कुवारा नहीं फिरदा कुवारा इधर आजे मैं दिखाऊंगा मैं जिंदगी पहले तेरे निकाह के लिए इतना काम वाला सूट पहने आए 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 पिंको हो जाना मम्मा जी ये क्या बात है तो बहुत प्यारा कलर है मैंने पहली दफा ये तेरी शादी दिखाओ के लिए पहना ये क्या है क्या ये सारा कुछ ये क्या लगा हुआ ऊपर नग लगे हमें जबरदस्त ये किसने सीखा ये मेरे डिजाइनर मेरा असद बेटे है मेरी डिजाइनर वाह असद मेरे डिजाइनर असद भाई जिन्होंने आपकी भाभी का सिया है उन्होंने ही गजल का भी सिया है उन्होंने ही अम्मा का भी सिया है और वो देखो सबसे प्यारा सूट तो उधर पड़ा भाई मैं सही वाली बात का बनाया ही उसने है ये सारा उसने मुझे गिफ्ट किया है आए 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 नो पैसे आए आए ये मजेदार काम है जिसके पैसे ना वो मेरा बड़ा बेटा है और ये देखो मेरी मिनसा का भी उसने बनाया वाह जी वाह चाहे उसने 10 मिनट में उतार के परे मारना लेकिन बनाया प्यारा उन्होंने जबरदस्त गिफ्ट किया वो तो कमाल किया ना जबरदस्त जबरदस्त बहुत किया उसने मेरे साथ चलो जी अच्छी बात है अम्मा का भी ड्रेस कंप्लीट हो गया गजल का भी ड्रेस कंप्लीट हो गया और बाबा जी आपकी हर चीज कंप्लीट है हाँ जी, हाँ जी। जूती कपड़ा हाँ, शॉल वगैरह हाँ सुर्खी पाउडर मेकअप का सामान भी सारा पूरा अब ऐसा ही कुरान पाक पढ़ रहे हैं हाँ आपकी शॉपिंग पूरी है हाँ जी, कपड़ा जूती हर चीज इतिहास क्यों नहीं है वैसे ही पागल रह गया सिर्फ आपका दूल्हा भाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ शूज रहते हैं और आज रात को हमने जाके डिजाइनर से अपना जो ड्रेस है लास्ट टाइम फिटिंग भी चेक करनी है उसकी और वो भी आपको दिखाएंगे और मैं अभी कर रहा हूँ एक बंदे का इंतजार वो आएंगे तो फिर हम घर से निकलेंगे हमने जाके खत करवाना है और अम्मा को लेके जाना है डेंटिस्ट के पास अम्मा के आज पहला सेशन है दांत लगवाने का कल भी अम्मा जाएंगी और मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को बता दूं वो ये है कि मेरे निकाह की ढोलकी मेरे घर पे नहीं है भाई मेरे निकाह की ढोलकी है गजल के घर पे मेरे दूसरे घर पे क्योंकि मेरी अम्मा एक वहां पर भी हैं मेरे बाबा एक वहां पर भी हैं मेरे दो भाई वहां पर भी हैं उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया है कि हमारे भाई की जो ढोलकी है वो हमारे घर पे होगी तो सारे मेहमान वहीं पे आएंगे कल वहां पर ढोलकी है आज आपके भाई का लास्ट डे है बैचलर्स का तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं हैदर है यूनिवर्सिटी जैसे ही हैदर आएगा या मैं अकेला ही निकलूंगा खाद करवाऊंगा शूज लूंगा फिर उसके बाद भाई आ जाएंगे उनसे मिलना है फिर निकलते हैं बाहर ओके जी तो बैंक हमारे घर ही आ गया अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अगर भाई क्या बैंक जाने का टाइम नहीं हम बैंक गाड़ी बुला लेते हैं कोई मसला ही नहीं सुनाएं कैसी तबीयत है बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया माशाल्लाह अगर भाई हमारे जो है ना वो बैंकर हैं तो मेरे वैसे तो दूर के रिश्तेदार भी हैं लेकिन यह है कि टाइम नहीं लग रहा था और मेरे दोस्तों ने सबने जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही डाल दी भाई कॉपियां मंगवा दो 10 वाली 20 वाली 50 वाली मैं कहा जी मैं नहीं जा सकता आगा भाई से रिक्वेस्ट कर लेते हैं सर, हाजर, हाजर, और सुनाए सब अच्छा सामान लाया मेरा आपने उधर ही रख दिया अपना पैसे गड्डी दी रहते थैंक यू सो मच भाई बहुत शुक्रिया ठीक है सर आ जाए चाय चलूं मामा जी ये संभाल लो यार क्या ये फ्रेश कैश है 10 20 50 वाली कॉपियां हैं हैदर ने उसामा ने जहांगीर ने जमान ने क्या मैंने भी चाहिए जी मम्मा यार आप पहले मंग डाल लिया करो यार आपका क्या काम है वहाँ पर ढोल बजना किसी को नहीं साल मेरे घूम चंगा रहेगा अजीब ही आपके काम है मुझे कर
कड़कते नोट पसंद है। अभी ये और भी आने हैं, दूसरे बैंक वाला भी आ रहा है, अभी एक और दूसरे बैंक से भी आ रहे हैं, वो सारे संभाल लो मैं आपको दे दूंगा। अभी रात को जब बच्चे आएंगे ना ढोलकी पे हैदर वगैरह सारे जब आएंगे उन्हें दे देना, ये उनका है मेरा नहीं है, ठीक है? मैंने चार लेनी, चार मैं आपको दे दूंगा ना, खुद मंगवा के दूंगा, ये उनकी है चीजें, संभाल लो यार, क्या बच्चों की तरह जिद करते हो आप। आपने जाना है हॉस्पिटल के? नहीं जाना, अम्मा को छोड़ के आना जी क्लिनिक, आज नवे दांत लग रहे हैं मैडम दे। हाँ चार नोट दूंगा आपको, चार नोट। चलो 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 जल्दी करो जल्दी, बगैर का मेरे जुराबां दे पांदे, गाड़ी में बैठ के पहले ना लेट हो रहा हूं मैं, जल्दी करो यार। जगली जिसने दांत लगवाए ना सब कह रहे बड़ी अलकस होती है। अलकस होती है वो चिड़चिड़ती है, तो मैं कह रही कुछ नहीं होता, निकाह के बाद लगा लूंगी तेरे। अब खैर है मम्मा जी, सारा प्रोसेस हुआ, कितनी भी चिड़चिड़ जाएगी कुछ नहीं होता यार। मैंने ढोलक बजानी है, मनकवत पढ़ने मौला के, ढोलक भी बज जाएगी, मनकवत भी हो जाएंगे, हमने दांत ही लगवाने, कौन सा मिर्चें खा लेनी, इतनी नहीं चिड़चिड़ती, इजी हो जाओ। आपको चिड़चिड़ेगी ना मेरे पे उतार लेना, बस मेहमानों पे ना उतार, इजी हो जाओ, कुछ नहीं होता, इजी। ये अभी ट्रायल्स होने हैं जी, ये ट्रायल्स आए हैं। अरे मम्मा जी ये लगना आपको ये वाला, इस तरह ही डिटो डर गई हैं। ये ट्रायल्स हैं, अभी रात को जो है ना वो 10-11 बजे दोबारा आएंगे, तब जो है वो कंफर्म लग जाएंगे। आए 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 मम्मा रेडी हो, आए 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 आए। ये जी पत्थर के दांत बने हैं जी, ठीक है? ये सारे के सारे अम्मा के चेंज नहीं होने, लेकिन खोल जो है वो फ्रंट सबके ऊपर ही चढ़ जाएगा, अब मम्मा जो है वो खुल के स्माइल कर सकेंगी। जबरदस्त भाई है मम्मा जी, आए 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 आए, पूरे दांत ऐसे स्ट्रेट, बाबा जी मेरे से भी प्यारे लग रहे थे आपके दांत। अभी उन्होंने फिलहाल ट्रायल के लिए बुलाया था कि एक बार जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है आपके दांतों का, 7 से 8 दांत था टोटल, उनका स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लें। रात को 11:30-11 बजे हम जाएंगे क्लिनिक और फिक्स हो जाएंगे। मैंने आपसे वादा किया था ना निकाह से पहले लगवा दूंगा, देख लो फिर, मानते हो कि नहीं मानते? इतनी प्यारी लग रही थी मम्मा, हंसती हुई, क्या बात है, खुल के हंस रही थी। निकाह से पहले पहले इंशाल्लाह अम्मा के दांत लग जाएंगे जी। चलो जी पहुंचो। ओके आप किधर जा रहे हो? पहले सलून जाऊंगा, खाता वगैरह करवाना है, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा शूज लेने। ये देखो चप्पल पहन के फिर रहा हूँ मैं, कल मेरा निकाह है, शूज नहीं है। उसके बाद रात को जाऊंगा मैं फिटिंग चेक करवाने, जो ड्रेस कल पहनना ना उसकी एक बार फिटिंग लेनी है, जैसे अभी आपके दांतों की फिटिंग ली है ना, इस तरह मैंने ड्रेस की फिटिंग लेनी। ओके बाय। आओ जी दोस्त जी, की हाल है? ठीक हो? आओ जी क्या हाल है? ठीक है ना? अच्छा जी आपके भाई ने लेडी साइड खुलवा ली है, ये देख रहे हो दुल्हन खड़ी हुई है सामने, क्योंकि बाहर रश बहुत है, उसके अलावा गाने शाने भी चल रहे हैं, और मैं आपको जरा पता ना सेलिब्रिटी फिर कल निकाह आने वाला है, मैंने कहा भाई अंदर आ जाए, ये वाली साइड साफ कर दी हमने, सारी साफ करवाई है, वो देखो बैठे हैं चुपके साइड साफ करवा ली है, यहाँ बैठ जाए भजन खत करते हैं, ट्रिमिंग शिमिंग करते हैं, बहुत कुछ करने आज आपका, बहुत कुछ करना। मैं कहता हूं पंगे पंगे कोई नहीं लेने, कोई पंगा नहीं लेना भाई, सिर्फ खत करना है और ट्रिमिंग करनी है, बहुत कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ट्रिमिंग और बात, बस का पूरा निकाह का पूरा। ओ जा भाई फुल इंग्लिश यार, बाटा की करी जा रहे हैं यार, चुप करके बैठ जा ना, कुछ नहीं होता, क्या हो गया? बीबियां वाले काम करी जा रहे हैं, बीबियों वाले काम है, मुझे है जरूरत ही जरूरत है आपको, इसमें क्या जरूरत पड़ दो भैया यार। आइए क्या हाल है यार, ये देख उल्टे उल्टे काम करवाई जा रहा है मेरे से यार, देख रहे क्या पहले दफा कर, ये क्या वो कुछ नहीं, ओए परे ओए क्या बरनौला ले यार, वही ना हो के निकाह वाले दिन मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं मैं, निकलोगे तो गर्म हवा फूका मार रहा है, ये क्या कर दिया, ये तो उतर ही नहीं जाके चूना मल दिया, ये देख हाथ भी नहीं है, बट ये क्या क्या किया तूने, वॉश करना उधर जा, क्या किया ये, उतर ही नहीं रहा, चौक लगा दिया मुंह पे, आए की कर रहे हो, मैं बस वेट करवा रहा हूं, लगा एवं ना करो, इसे मुझे लगाया ना तेरे भी लगेगा बेटा, मेरे लगा तेरे भी लगेगा, लगा शाबाश भाई, शादी तो नहीं है, खैर कोई बात नहीं, हो जाएगी तेरी भी हो जाएगी, टेंशन ना लो। A few moments later. Okay जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुर्खी पाउडर जो मेरे दोस्त ने लगाना था अपनी खुशी से इसने लगा लिया है, अब हम आएंगे आपके पास परसों सुबह, या आप घर आ जाना, घर नहीं मैं, ठीक है बस परसों आएंगे, और यहाँ पर जो शेवर शुवर लगाना होगा परसों लगा लेंगे, बाकी दूल्हा तैयार है जी। अच्छा जी अभी सलोन से फ्री हो गए, जाना तो हमने आगे था शूज लेने, लेकिन घर पे एक आ रहे हैं स्पेशल गेस्ट, उनको मिलके फिर आगे निकलते हैं, हैदर मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी से आ गया, कुछ खा भी लेंगे घर से गेस्ट को मिलके, फिर निकलते हैं आगे, फिर हमने जाना है शूज लेने, शूज लेके फिर रात को अम्मा के जो दांतों की प्लेसिंग है वो भी होनी है, तो सारे काम चलते रहेंगे, लेकिन पहले मेहमानों को मिल लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आया। अच्छा जी, जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट जो घर पे आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो हैं जी हमारे, अस्सलाम वालेकुम मिठू साईं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे कल अपने व्हाट्सएप एक मैसेज आया था कि भाईजान ऐसे 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 मेरे बच्चे आपके बड़े फैन हैं, आपके व्लॉग देखते हैं। वल्ला मैं नहीं जानता था, बाबा जानते हैं ऐसे ही है? बाबा जानते हैं या कोई और जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं थोड़े से एजेड होंगे ना, उनको पता होगा, मिथु भाई का भी पता होगा, फिर गुंगा भाई का भी पता होगा। बहुत अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बहुत नाम दिया है इनको, ढोल बजाते हैं। और ये हैं जी कहाँ पे? शाजमाल, शाजमाल इछले वाली साइड पे। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, बाहर जाके भी ढोल बजा के आए हैं। और हैदर और मैं ढूंढ रहे थे बंदा कोई ढोल बजाने के लिए, कि भाई हमने जब निकलना है इमाम बारगाह से निकाह करके, जब आना है हमने खाने पीने वाली साइड पे, रिंग सेरेमनी जब होनी है तो उससे पहले निकाह के बाद जब आना एंट्री शेंट्री होनी है तो ढोल वाले की जरूरत होगी हमें। हमें क्या पता था जी वर्ल्ड फेमस ढोल वाले हमें खुद मैसेज करेंगे। भाई जान बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये बहुत प्यारे नग पहने हुए आपने, बहुत प्यारे हैं। आपका शुक्रिया। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? आपका भी शुक्रिया कि आपने बाबा को फोर्स किया और आप लोग लेके आए घर पे। हाँ, कैसे आप माँ जी, कैसी हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये कौन बजाता है? ये छोटा बजाता है। सही बजा लेता है जी। इसका क्या नाम है? ये आपका बेटा? नाम सर मेरा छोटा बेटा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बजा के दिखाओ भी कुछ जबरदस्त सा, जरा देखते हैं जी। मिठू भाई का वो तो हम अपने निकाह वाले दिन ही सुनेंगे, लेकिन ये बच्चे का जरा टैलेंट देखते हो। बेटा तुमसे बड़ा तो ढोल है। छोटा बम है यार, छोटा बम है भाई, कैसा धमाल डाली उसने। याद है हम वो उस दिन जब बात की हुई है, जब हाँ का आया था, उन्होंने इतने इतने बड़े थे, उन्होंने ऐसा ढोल बजाया। कमाल यार, घुमाता बहुत कमाल है यार, घुमा के दिखाना यार, बाद में पानी पी छोड़ दे, पहले घुमा के दिखा। मैं तो तेरा फैन हो गया हूँ, मुझे मेरी बात सुने, अगर आप फ्री ना वो तो भेज दीजिए, ठीक है? मैं तो सोच रहा हूँ इसने शोर मचा दिया छोटे से ने। ये अभी मेरे साथ अभी शो किया 3-4 दिन पहले इधर हमने ओसिस में। अच्छा अच्छा, ओसिस में, ठीक है ठीक है, मांगा मंडी, ठीक है। ये साथ ही था ना मेरे को। क्या बात है, चल भाई जरा बिस्मिल्ला। क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त भाई। मैं कह रहा हूँ कि यकीन करें, मैं अब ना बहुत क्यूरियोसिटाइज हो गया हूँ कि ये बच्चा इस तरह कर रहा है तो आप क्या करेंगे? ऊपर से आपने जब बाल खोल देने हैं, माशाल्लाह जबरदस्त भाई जान, बहुत शुक्रिया, तशरीफ आबरी का बहुत शुक्रिया। मिठू भाई आपके आने का शुक्रिया, और आप आएंगे निकाह पे तो निकाह को इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, मेरी भाभी का जो है ना वो चैनल है जी यूट्यूब का, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज्यादा ज्यादा करना। क्या नाम है जी? मिठू साईं फैमिली व्लॉग्स, ठीक है? इसको देख लें, सर्च कर लें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करना है आपको। इंशाल्लाह मैं निकाह वाले दिन भाई का जो जलवा है ना वो दिखाऊंगा, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा देख लिया, लेकिन आपको उस दिन निकाह वाले दिन दिखाऊंगा, ठीक है भाई जान? इसको पटाखे को साथ लेके आना आपने, ठीक है? चलो डन। अच्छा जी, मिथु भाई अभी उठ के गए हैं, मैंने जाना था अब शूज लेने, तो एक और गेस्ट हमारे घर पे आए हैं, ले लेंगे शूज, सुबह ले आएंगे, कोई मसला नहीं है, अभी एक दिन है निकाह में। मैं ना, लाइफ हर इंसान के लिए सेम नहीं है, जैसी आपकी है या जैसी मेरी है ना, हर इंसान की ज़िंदगी इस तरह सेम नहीं है। मैं तो अपनी डेली मर्रा की रूटीन के अंदर ये चीज़ें देखता रहता हूँ। एक फैमिली से आपको मैं मिलवाता हूँ, जो कि पहले आए थे कराची से। आप कितनी देर पहले सर आए थे कराची से? 7 महीने हो गए। नहीं, मेरे पास आए थे आप कराची से? हम लोग आए थे घर ढूंढने, घर ढूंढने नहीं मिला, नहीं मिला। अभी कहाँ से आए हैं?
अब मैं इस्लामाबाद से डायरेक्ट आ रहा हूँ। इस्लामाबाद से आया। मैं माजरत करता हूँ कि आपको पहले आना पड़ा, आपको नहीं मिला एड्रेस, ठीक है। और इनके ना दो बेटे हैं, एक बेटी है माशाल्लाह वो अपने घर की हो चुकी, और दो बेटे हैं। कैसे हो? ठीक हो? सेकंड क्या नाम आपका? दानिश। और आपकी एज क्या है, कितनी उम्र है आपकी? 62। ओए नहीं यार, तुम 62 के लगते ही नहीं हो, तुम तो जवान हो भी। इधर देखो भाई, तुम्हारा क्या नाम है? जुहेब। माशाल्लाह, तुम्हें पता है तुम पूरे इतने प्यारे पप्पू लग रहे हो, इतनी प्यारी क्लीन शेव लग रही तुम्हें। और तुम्हारी क्या एज है, कितनी उम्र है? मामा से नहीं पूछो, खुद बताओ। मामा बॉय नहीं बनो। हाँ 36। ओए। अच्छा जी, ये जो है ना, ये मामाज बॉय है और ये डैडीज बॉय है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मुझे बताओ सच्ची सच्ची बताना है, व्लॉग देखते हो कि नहीं देखते? नहीं। किसके व्लॉग देखते हो? आए आए यार, वो देखो कितना शर्मा रहा है। आए आए आए। अच्छा आप देखते हो व्लॉग? जुहेब नहीं व्लॉग देखता भाई। देखता हूँ। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जमीन के ऊपर फरिश्ते हैं, ये मेरी बख्शिश का सामान है, ठीक है। अच्छा कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है, हम है ना, बैठे हैं। ये मेरी बख्शिश का सामान है कि मेरा जो मालिक है ना, वो जमीन के ऊपर ही मुझे बख्शवाने की हर चीज जो है ना मेरे सामने रखी हुई है। मैं चाहूं तो पिक कर लूं, मैं चाहूं तो आंखें जो है वो माथे पे लगा के फार। आप भी बहुत माजरत जो आपको वेट करना पड़ा, ठीक है, आपका रबता नहीं हो सका। एक आध बार कॉल आपकी आई भी थी ना मुझे, शायद मैं कहीं मसरूफ था या शायद मैं सीरियस नहीं ले सका, उसके लिए हाथ जोड़ के माजरत। अभी मुझे बताएं इन बच्चों के चैनल का नाम क्या है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो माँ कर रही है ना, इन बच्चों को जो ग्रो कर रही है, वो आप और मैं सोच नहीं सकते कितना मुश्किल काम है इन स्पेशल चाइल्ड के साथ बड़े होना और अपनी जिंदगी सारी इनके नाम वक्फ करना, ठीक है। आप इन बच्चों के चैनल का नाम क्या? ट्विन स्पेशल ब्रदर्स। और अभी इनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अभी इनके 1300 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप लोग कहें कि यार जी क्या हो गया है, माँ बाप बच्चों को लेके यूट्यूब पे क्यों आ गए हैं, भाई यूट्यूब जो है ना वो इस टाइम एक वसीला ऑफ अर्निंग है, लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये बच्चे मुझे बताओ कहीं जाके जॉब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। इनकी जो है ना लाइफ वो यही है कि इनको कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल ही मिल जाए। मैं इनका भाई हूँ, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। आपकी एज तो 63 है, लेकिन आप मुझसे बड़े हो फिर, है ना, लगते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, ओके, प्रॉमिस। इधर देखो, ओके, प्रॉमिस। यार तुम बहुत मामाज बॉय हो, मामाज बॉय का जो है ना अवार्ड वो सिर्फ रजब के पास है, मैं जेलस हो रहा हूँ तुमसे, ठीक है। मेरी बात सुन ले जी, अगर मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप वाकई ही रजब फैमिली के मेंबर हैं, गजल को आमना को आप लोगों ने क्या ही सपोर्ट किया होगा, या हैदर का अगर मैं चैनल बनाऊंगा तो आप क्या ही सपोर्ट करेंगे अगर आपने इनको सपोर्ट नहीं किया। मैं इनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ। खामोशी, मैं बैठा नहीं, अभी हम जिंदा हैं, बहुत प्यारे हैं, मैं बहुत प्यारे हैं, और हमसे कई हिस्से अच्छे हैं, क्योंकि इनका हिसाब नहीं है, ये डायरेक्ट जनती हैं, हम लोग गुनाहगार हैं, हमारे हिसाब होने हैं, ठीक है। और ये जो माँ बैठी है और ये जो बाप बैठा है ना, ये भी डायरेक्ट जनती है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी इनके नाम वक्फ की है। मैं इनका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैंने कल के व्लॉग के अंदर एक जो है ना वो हिस्ट्री बनती देखनी है, इतने फॉलोअर्स इनकी तरफ जाने चाहिए, ठीक है। और सिर्फ फॉलोअर्स ही ना जाएं, इनके व्लॉग देखने हैं, मेरे कभी मिस हो जाएं चलेगा, इनके नहीं मिस होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो और चार जगह पे दौड़ लगा लूंगा, पैसे कमा लूंगा। अपने बच्चों के व्लॉग देखूंगी। अपना जो चैनल है ना आप लोगों ने, जुहेब यहाँ पर आपने सब्सक्राइब करके जाना, मैं डेली देखूंगा, प्रॉमिस। अगर कोई है ना वाकई रजा फैमिली का मेंबर है या मुझसे प्यार करता है, वो सब्सक्राइब करेगा, और आप मुझे कल कॉल करोगे कि हाँ भाई मजा आया, क्योंकि मैं अपनी आवाम को जानता हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को जानता हूँ। यार तू मेरी तरफ देख नहीं रहा यार, मैं तेरे से लड़ पड़ूंगा यार, तू प्यार नहीं। माँ जी ना, आपकी मेहरबानी, आप मेरे पास आई है ना, मैं आपके बेटों की तरह हूँ, परेशान नहीं होना, दो ये तीसरा मैं हूँ, ठीक है। मैं खुदा की कसम 10 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 9:30 हो गए हैं, मैं अब शूज लेने नहीं जा सकता, मैंने शूज लेने थे और परसों मेरा निकाह है, कल मेरी ढोलकी है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये उससे ज्यादा जरूरी थी। आपने परेशान नहीं होना, एक बार काइंडली दोबारा बता दे नाम चैनल का, ट्विंस स्पेशल ब्रदर्स। बाकी डीपी शीपी तो इनकी लगी ही होगी, एक आधा व्लॉग आपको नजर आ ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी डाल रहा हूँ, जितना प्यार हो सकता है ना उतना दिखाएं। और अभी हमारे सामने पड़ा हुआ है खाना, बिस्मिल्लाह करो, आए आए आए, बिस्मिल्लाह करो मेरी जान, शुरू करो। दोबारा मैंने नहीं देखा दोबारा, एक बार फिर आए आए आए।
जनमन जनमन पहली बात तो यह है कि असल में आपसे भी जिससे कल जो आपने बात की थी हाजिर नाजिर, लेकिन यह है कि मैं आज जो आया हूँ ना मैंने एक रुपया दिया है ना मैं किसी किस्म से कोई टाइम लेके मैं बगैर गेट पे आया, एड्रेस दिया, सीधा घर पे आ गया। जब आप आए हैं तो कितने लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी यहाँ पे? 10-12 लोग ऑलरेडी पहले ही मिट्टू का आए हुए थे ढोल वाले और आप पीछे से आए थे। मैं पीछे से आया, मैं समझ रहा था कि मैं बाहर से, लेकिन नहीं कोई ऐसी बात नहीं। और पैसे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बंदे ने पैसे दिए और इतना ज्यादा अच्छा शाउट आउट दिया है के मुझे रोना आ रहा है। मगर मैं खुद तुम क्यों रो रहे हो? ओए क्यों रो रहा है? मेरी जान ले ले ले, भाग भाग के अम्मा के पास जाता है। उसकी जो लीड है ना वो उसकी अम्मा के पास है, वो भाग भाग के अम्मा के पास जाता है। अच्छा खुदा की कसम पैसों वाला जो चक्कर है ना वो उनके जहन में, उन्होंने कोई 2-3-4 नाम लिए कि हमने कराची में ये सारा कुछ भी किया तो उन्होंने कहा जी 10,000 दो तो 1,000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे। ऐसे ही है जी, जी इतने जी, ये जो नाम में क्या नहीं नहीं किसी का नाम नहीं लेना, हमने किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन ये है कि हाँ पैसे कितने कितने उन्होंने 10,000 में 1K अल्लाह माफ करे। अल्लाह पाक इस तरह के पैसे मुझे कभी ना दे। हाँ आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई कारोबार है, फिर पैसे लूंगा और ठोक के पैसे लूंगा, लेकिन ये जो शहजादे है ना ये मेरी आखिरी सवार है, मेरे पास आए हैं पैसे से कहीं ऊपर है ये, ठीक है। और मैंने कहा भाई का एक पैगाम जो है हम वो बीच में डाल दें, ठीक है। आप खुदा की कसम जमीन के ऊपर जन्नत कमा रहे हैं, ठीक है ना। मेरी जहां भी जरूरत हो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। बच्चो बड़ा भाई हूँ मैं, तुम बहुत बड़े हो, वैसे 65 के हो लेकिन मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा ही हूँ, मैं 78 का हूँ, ठीक है। देख ही नहीं रहा यार, शर्मा रहा यार, तू शर्मा रहा यार। मैं मानता हूँ तेरे जैसा प्यारा चिकना नहीं हूं मैं, लेकिन तू फिर भी ऐसे देख ले ऐसे कर रहा है यार। यार तू की मम्मा दी नाल यार तेन चिपकिया यार, की हो गया तेन? मेरी बात सुन, एक बात का जवाब दे मुझे सची सची, शादी करनी कि नहीं करनी? करनी है, करनी है। एक बार मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, मेरी मेरी बड़ी लेट हो गई है क्योंकि मैंने लव नहीं होया, तो तू मेरा भरा लव मैरिज कर ला, ठीक है। इधर देख इधर, गर्लफ्रेंड है कोई कि कोई नहीं है? सही बता। नहीं झूठ झूठ झूठ, मैं नहीं मानता। इधर देख इधर देख, मामा को ना देख, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? सही बता। नहीं है? तू बता ऐसी गर्लफ्रेंड है ना? सही बता सही बता सही बता, गर्लफ्रेंड है इसकी है ना? है उसने बता दिया तेरी गर्लफ्रेंड है बेटा। इधर देख इधर देख इधर देख, उसने बता दिया तेरी गर्लफ्रेंड है। ओए 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 शहजादे, नाम रोशन करेगा तू, तेरे भाई की नहीं है यकीन कर, पैसे बहुत है, गर्लफ्रेंड नहीं है, अब तो होनी भी नहीं। हाय अल्लाह पाक नसीब नेक करे जी, आपके आपका भाई आपके साथ है, बेफिक्र है, मेरे साथ मेरी आवाम है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे और आपके साथ मैं हूँ, बेफिक्र हो जाए। आप मुझे कल फोन करेंगे जब आपका व्लॉग लग जाएगा ना, तो आप मुझे फोन करेंगे और आप कहेंगे कि आपको कितना प्यारा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, चलो भाई हाँ जी, कहाँ पे आए? इस्लामाबाद। कब आप मुझे इनवाइट करो, मैं आ जाऊंगा। कब आऊं बताओ, कब आऊं? डन, मैं आऊंगा। इस्लामाबाद आना, इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो तुम्हारे जो दादा वो हिस्सा देके गए ना तुम्हें कराची वाले घर में, वो मुझे दे दो, मैं भाई हूं तुम्हारा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय 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 बाय। अब मेरे बेटे के शूज रह गए। कोई मसला नहीं है, खैर है, मैं सुबह फर्स्ट टाइम जाके ले आऊंगा। शूज अभी भी आ सकते थे, वैसे सिर्फ 10 बजे हैं, लेकिन मार्केट जो है वो 10 बजे बंद हो जाती है। जितने प्यारे लोग आए हुए थे इनको कौन मना कर सकता है, इनसे कौन पैसे मांग सकता है? मम्मा कसम से नहीं रे, मेरी कभी ना बंदा। कितनी मुश्किल लाइफ है उस माँ की, भाई बड़े बड़े, मैं तुझे क्या बताऊं, बड़े बड़े सख्त दिल के लोग हैं, इनसे भी पैसे मांग लेते हैं, प्रमोशन करेंगे पैसे दो, मना नहीं कर सकते इनको तो। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। अच्छा जी बात पता क्या है कि हमने अभी जाना था, अम्मा के दांत भी लगवाने हैं, लेकिन वो रात को हमने लेट नाइट जाना है, तो सुबह के ब्लॉग में आपको दांत लगे हुए नजर आ जाएंगे। और जो शूज है, शूज मैं सुबह फर्स्ट टाइम लेके आऊंगा,
अब तो मैं नहीं जा सका। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, आप लोगों ने आज तक जहां जहां मेरा मान रखा, लव यू उसके लिए, लेकिन ये बहुत डिजर्विंग है यार, ये बहुत डिजर्विंग है, इनका प्रॉपर ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग कर रहा हूं मैं यहां पर एंड, होती है मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ। कल इंशाल्लाह हमारी ढोलकी है गजल की तरफ, आप लोगों को पता ही है, उसमें आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी, शूज कौन से आते हैं, अम्मा के दांत लग के अम्मा कैसी लगती है, आए सारे दांत लग रहे हैं, दिखाओ जरा अभी वाले, दिखाओ दिखाओ अभी, एक यहां पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और कुछ नहीं है, वो हंसती नहीं है इसी डर पे, दिखाओ दिखाओ, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा क्या नजर लग जाए। व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह भी मेरी जान मोरा सबकी केयर करे।